दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वारपेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ वारपेज कहते हैं और कुछ जो है बेंडिंग कहते हैं। दोस्तों अब समझते हैं, ये एक ओके कंपोनेंट है। जब यह सिंक कर जाए, चारों साइड से सिंक कर जाए, तो उसे हम, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये वारपेज कहलाता है। ठीक है, ये ओके कंपोनेंट है। यह कंपोनेंट इस टाइप का आना चाहिए था जो कि इजेक्शन होने के बाद इस टाइप का रहा है, तो इसे हम वारपेज कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, प्रोडक्ट आर डिफॉर्म्ड आफ्टर इजेक्शन। ठीक है, जब हमारा कंपोनेंट इजेक्शन के बाद डिफॉर्म्ड हो जाए। ठीक है, ये होता किस किस कारण से, क्या क्या केसेस हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इव, जब मोल्ड में प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान ना हो। स्ट्रेन इज जनरेटेड बाय ओरिएंटेशन। ठीक है, स्ट्रेन इज जनरेटेड बाय कूलिंग। पार्ट इजेक्शन इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये चार रीज़न नॉर्मली 80% रहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, और ठीक है, और किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इंक्रीज करें इंजेक्शन प्रेशर। दोस्तों हमें इंजेक्शन प्रेशर इंक्रीज करना है, तब इंक्रीज करना है जब हमारा जो मोल्ड है उसमें जो लास्ट के पॉइंट है उन पे मटेरियल का फ्लो कम हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे अगर मटेरियल बराबर नहीं जा पा रहा। डिक्रीज इंजेक्शन प्रेशर, यदि हमारी फिलिंग बहुत जल्दी हो जा रही है, ठीक है, हमारा फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस समय क्या करना चाहिए, अपना प्रेशर को रिड्यूस करना चाहिए। इंक्रीज करें बैरल टेम्परेचर। ठीक है, वो कब इंक्रीज करना चाहिए, जब हमें उसकी फ्लूडिटी बढ़ानी हो। ठीक है, मोल्ड के अंदर मटेरियल का फ्लो ज़्यादा करना है, डिक्रीज करना होगा बैरल हीटिंग टेम्परेचर, जब हमें अपने मटेरियल की जो फ्लूडिटी है वो कम करनी हो। इमीडिएट होल्डिंग प्रेशर ड्रॉप, नॉर्मली दोस्तों यह जो है ना 50-60% जो है प्रेशर को, जो है होल्डिंग प्रेशर को ड्रॉप करना पड़ता है हमें। ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कंपोनेंट जहाँ पे गेट पॉइंट होता है वहाँ पे मटेरियल थोड़ा प्लस हो जाता है, और जो लास्ट पॉइंट है उन पे थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, तो मटेरियल जो है सभी जगह पे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। वार पेज में हमें इसी कंडीशन का ध्यान रखना है। दोस्तों डिक्रीज करना होगा होल्डिंग प्रेशर एंड टाइम, यदि इस तरीके की कंडीशन आ जाए। ठीक है, यदि हमारा कंपोनेंट अच्छे से ही नहीं फिल हो पा रहा, तो उसमें भी आगे देखिएगा। इंक्रीज करें इंजेक्शन स्पीड। इंजेक्शन स्पीड वहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी जहाँ पे हमारा इंजेक्शन टाइम ज़्यादा हो जा रहा होगा। ठीक है, डिक्रीज इंजेक्शन स्पीड वहाँ पे डिक्रीज करनी होगी जहाँ पे हमारा फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि इंजेक्शन टाइम हमारा काफ़ी कम हो। इंक्रीज बैक प्रेशर, बैक प्रेशर को इंक्रीज करना होगा हमें। इंक्रीज करें मोल्ड टेम्परेचर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यदि हमारा मोल्ड भी कभी कभी कुछ कंपोनेंट में क्या होगा कि अगर हमारा मोल्ड टेम्परेचर कम है, इक्वल नहीं आ पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वार्पेज आने लगेगा। डिक्रीज भी करना पड़ सकता है मोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज करनी पड़ सकती है जो कूलिंग टाइम है। कूलिंग टाइम के साथ साथ दोस्तों हमें जो डिले हैं वो भी हमें इंक्रीज करने पड़ सकते हैं। चेक करना पड़ेगा हमें कंपोनेंट का इजेक्शन, कहीं पे कैचिंग तो नहीं है। ठीक है, इंक्रीज करनी होगी स्क्रू रोटेशन स्पीड, तो यानी कि हमें मटेरियल की फ्लूडिटी बढ़ानी पड़ सकती है, जैसे कि बैरल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें ये भी कर सकते हैं। डिक्रीज स्क्रू रोटेशन, यानी कि हम मटेरियल की फ्लूडिटी, यानी कि उसका वेटिंग टाइम कम कर सकते हैं, यानी कि सेम हो जाएगा हमारा, जैसे डिक्रीज कर रहे हैं बैरल का टेम्परेचर। ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, इंक्रीज करना पड़ सकता है होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर। देखिए दोस्तों, एक चीज़ ना दो बार आ रही है, यानी कि जब आप प्रोसेस की सेटिंग करें तो आपका कंपोनेंट पे उसका इफेक्ट चेक करें। यदि आपने एक बार प्रेशर बढ़ाया और उसका पर पीस पे आपको ना इफेक्ट देखना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से
प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों, एक बार हम आगे चलते हैं फिर रिटर्न हो गए फिर उल्टा चलने लगते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है, हम जो है एनालाइज करते हैं अपने कंपोनेंट पे कि किस चीज़ को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंपोनेंट पे, फिर उसी के हम अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपने कंपोनेंट को जो फॉल्ट है उन्हें काफ़ी रिजोल्व करने में। ठीक है दोस्तों।